अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज एक मरतबा फिर मैं मौजूद हूँ आपके साथ एक नई वीडियो में। और फिलहाल मैं आप लोगों के साथ जो वीडियो शेयर करने के लिए जा रहा हूँ वो सब्ज़ी मंडी की नहीं है। आज फिलहाल जो मैं आपके साथ फ्रूट मंडी की वीडियो बना रहा हूँ, डिफरेंट किस्म के फ्रूट्स मेरे सामने रखे हुए हैं, इनकी फिर आपके साथ अपडेट शेयर करूँगा कि कौन से फ्रूट की क्या कीमत चल रही है। मैं इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाया करता हूँ अपने चैनल पर। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच। सबसे पहले व्यूअर हम अगर स्टार्ट करें फालसे से, तो मेरे सामने एक फालसे यहाँ पर रखे हुए हैं। ये ज़रा भाई से पूछते हैं ये फालसे क्या रुपए है और ये जो झावा दे रहे हैं कितने का। भाई ये झावा ये पूरा कितने का दे रहे हो? ये किलो के हिसाब से। किलो के हिसाब से क्या रुपए किलो है? 80 रुपए किलो के हिसाब। तो व्यूअर आप देख सकते हैं यहाँ पर फालसा जो अप हो गया है वो सिर्फ और सिर्फ मंडी में 15 किलो 18 किलो। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये भाई मेरे साथ मौजूद हैं, ये बता रहे हैं कि यहाँ पर ये झावा जो होता है ये 14 से 15 किलो तक का ये झावा होता है। और अभी फ़िलहाल जो फालसे की कीमत है वो बहुत ही कम हो गई है, 80 रुपए किलो के हिसाब से यहाँ पर ये फालसा मिल रहा है, जो कि पहले यहाँ पर मंडी में 120 और 150 हुआ करता था, लेकिन अभी फ़िलहाल फालसा जो है वो 80 रुपए किलो के हिसाब से यहाँ पर ये हो चुका है। फिर हम अगर बात करें चीकू की, तो चीकू भी यहाँ पर क्या मिल रहा है या फिर मैं पूछ के बताता हूँ। बड़ी बेहतरीन क्वालिटी के यहाँ पर चीकू ये मिल रहे हैं, इसकी ज़रा कीमत पूछते हैं। भाई ये चीकू क्या रुपए है? चीकू ये 70 रुपए। तो यहाँ पर चीकू जो हमें पड़ेगा ये 70 रुपए किलो के हिसाब से ये पड़ेगा। और ये पूरी पेटी अगर लेना चाहें तो कितना ग्रेड है इसका? 2 किलो वजन का। अच्छा, कितने का होता है ये, वजन कितना है? वजन इसमें आता है 17 किलो 18 किलो। 17-18 किलो वज़न होता है। तो ये भाई मुझे बता रहे हैं कि यहाँ पर ये 17 से 18 किलो इसमें ये वज़न होता है। और ये पर केजी हमें पड़ता है 70 रुपए किलो के हिसाब से ये हमें पड़ता है। और अगर फिर बात करते हैं दूसरे फलों की, तो ये अंकल की तरफ हम आते हैं। यहाँ पर ये अंकल आम बेच रहे हैं, इनसे ज़रा आम की कीमत ज़रा पूछते हैं। अंकल ये लंगड़े की पेटी क्या रुपए है? अच्छा, ये जो आपके पीछे रखा हुआ है ये 550 से लेकर 750 तक चलता है। अच्छा, तो आपके पीछे जो रखा है ये कितने का दे रहे हैं? ये वाला 750 रुपए का। और हाँ, ये लंगड़ा है, सुनड़ी वो पड़ी है 1100 रुपए का भी। और ये दशहरी क्या रुपए दिया? दशहरी ये वाला चलिए अगर को 750 रुपए का, सही है 850 रुपए की भी चलती है। अच्छा, सही है। और ये वाला? ये सुनड़ी है, ये बी क्वालिटी सुनड़ी है, इसको बोलते हैं, ये भी सुनड़ी है। ये क्या रुपए का है? ये आपको लगेगा 800 रुपए, ये सब चलते हैं 800 साढ़े 800। अच्छा अच्छा, ये व्यूअर आपने सुना, ये तमाम सारी डिटेल्स थी, ये आम की, ये लंगड़ा आम की डिटेल बताई, फिर आपसे दशहरी की भी कीमत शेयर करी और सिंधी की कीमत भी शेयर करी। लेकिन ये भाई बता रहे हैं कि यहाँ पर मुख्तलिफ कीमतें होती हैं क्वालिटी के, हाँ जैसा माल होता है वैसी जो कीमत होती है, क्वालिटी के लिहाज से ये कीमत होती है। अब अगर ये देखें ये वाला आम जो मिल रहा है इसकी भी ज़रा कीमत पूछ लेते हैं। ये भी बी क्वालिटी का ये आम है सिंधी का, ये हाई फाई क्वालिटी नहीं है सिंधी की। इसकी भी कीमत जो बता रहे हैं ये 750 से 800 रुपये के दरमियान। फिर ये सरोली आम की जो पेटी मिल रही है इसकी ज़रा कीमत पूछते हैं, ये सरोली आम क्या रुपए? सरोली आम क्या रुपए मामा? ये 1000 रुपए की ये पेटी मिल रही है, 1000 रुपए में। ये कितना वज़न होता है ये भी आपको ज़रा पूछ के बताता हूँ। इसमें वज़न कितना होगा मामा? 9-10 किलो 9-10 किलो के दरमियान ये वज़न होता है आम की पेटी में। और ये सरोली की पेटी जो है फ़िलहाल अभी 1000 रुपए की मिल रही है। आम के लिहाज से पैसे होते हैं, डिफरेंट क्वालिटीज़ के हम आम होते हैं, क्वालिटी के हिसाब से ये पैसे होते हैं। फिर देखते हैं यहाँ पर जो मिल रहा है ये खुबानी की जो कीमतें हैं वो क्या चल रही हैं। मम्मा खुबानी क्या रुपए? 800 रुपए का पूरा कार्टन। हाँ, आलू चाहिए वाला 500 450। तो ये खुबानी की कीमत आपके साथ शेयर करिए, 800 रुपए का कार्टन। इसमें वज़न तो बताओ, वज़न कितना हो? 6-7 किलो तकरीबन इसमें वज़न होता है। और ये शफ्तालू जो है इसका ज़रा कार्टन पूछते हैं ये कितने का। हाँ, आलू बोलते 500 450 रुपये का ये कार्टन है, लेकिन इसकी ज़रा कीमत वो वज़न बताओ कितना हुआ ये? 2-2.5 किलो के दरमियान ये गिफ्ट पैक कहलाता है। इसकी जो कीमत बता रहे हैं 500 या 450 रुपये के दरमियान है, लेकिन वज़न के हिसाब से ये
दो या पौने दो किलो के हिसाब से ये होता है। फिर देखते हैं और क्या मिल रहा है। आलू की भी कीमत आपके साथ शेयर कर देता हूँ। आलू जो यहाँ पर मिल रहा है वो 600 या 650 रुपए के दरमियान ये कार्टन आपको मिलेगा पूरा, और इसमें ये वज़न बता रहे हैं तकरीबन 6 या 5.5 किलो के दरमियान ये वज़न होता है, क्योंकि हमें 110 या 100 रुपए ये पड़े आलू, और जो है वो मार्केट में हमें मिलता है तकरीबन 150 या 160 रुपए किलो के हिसाब से ये आड़ू मिल रहा होता है। देखते हैं और कौन कौन से आम मिल रहे हैं, कौन कौन सी क्वालिटीज़ के मिल रहे हैं आम, डिफरेंट यहाँ पर फल रखे हुए हैं, मुख्तलिफ फलों की कीमतें ज़रा जानते हैं। तो ये व्यूअर यहाँ पर चेरी के डब्बा भी आपके साथ शेयर कर दूँ। ये चेरी का डब्बा जो यहाँ मिल रहा है ये 250 रुपये का डब्बा मिल रहा है। अच्छी क्वालिटी की जो चेरी है यहाँ पर जो मिल रही है वो सिर्फ 250 रुपये का डब्बा ये मिल रहा है। लगभग इसमें वज़न तकरीबन आधा किलो के दरमियान ये होता है। फिर हम अगर बात करते हैं आड़ू, जो आपको पहले भी बता चुका हूँ, यहाँ भी ज़रा पूछ लेते हैं ये रेट, क्योंकि यहाँ पर ये दूसरे ठेले पर मैं खड़ा हुआ हूँ दूसरी जगह पर। ये आड़ू 11 रुपये मामा, 500 रुपये, और इसमें वज़न कितना होगा? वज़न जो होगा इसमें 6 किलो होगा यहाँ पर बता रहे हैं भाई, और यहाँ पर आड़ू की कीमत जो है वो 500 रुपये का ये कार्टन है। और फिर हमारे फिर से ये पूछते हैं कि यहाँ पर ये जो खुबानी मिल रही है ये खुबानी का क्या रेट है मामा? 8 किलो में 1000 रुपये, ये 8 किलो का एक कार्टन है, और इसकी जो कीमत बता रहे हैं 1000 रुपये ये बता रहे हैं भाई, यानी कि लगभग हम अगर देखें तो ये 100-120 रुपये के दरमियान ये हमें पड़ती है खुबानी, जो कि बाहर आपको 200 रुपये या 250 रुपये किलो के हिसाब से यहाँ पर मिल रही है अमूमन। और फिर हम अगर ये बात करते हैं ये यहाँ पर जो मिल रहा है आलू बुखारा भी इसको बोलते हैं, आलू बुखारा भी कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग इसको चक्तालू बोलते हैं, इसकी ज़रा कीमत पूछ लेते हैं। ये आलू बुखारा 1100 रुपये में ये 6 किलो आपको ये आलू बुखारा आपको ये मिलेगा, ये आपके साथ कीमत शेयर करी। फिर आपके पास ये भी दिखाता हूँ कि आम यहाँ पर मुख्तलिफ यहाँ पर और भी रखे हुए हैं, इधर अंदर जाकर आपको मैं ज़रा कीमत दिखाता हूँ क्या चल रही है, कौन से आम रखे हुए हैं। ये ज़रा भाई मेरे साथ मौजूद हैं, फिर हम इनसे आम ज़रा पूछते हैं, यहाँ पर बड़ी तादाद में आम रखे हैं डिफरेंट क्वालिटीज़ के, इनसे ज़रा पूछते हैं भाई ये दशहरी वाला आम जो रखा हुआ है ये वाला बीच में 700 रुपये की पेटी है, और ये सिंदरी जो रखा हुआ है ये वाला 650 रुपये की पेटी है, और ये वाला दशहरी जो रखा हुआ है ये भी 700 रुपये की पेटी है। इसके अलावा और कौन से आपके पास आम है? अलमास, ये 11 रुपये किलो अलमास, 700 रुपये की पेटी है अलमास की, और पीछे जो रखे हैं वो सारे सिंदरी 1000 रुपये की। वो कौन सी क्वालिटी का है, ए क्वालिटी या बी क्वालिटी? ए क्वालिटी का चंद्री 1000 रुपये का चल रहा है। तो ये भी बार आपने सुना 1000 रुपये का जो पेटी जो मिल रही है यहाँ पर ए क्वालिटी का आम की मिल रही है। और हम अगर बात करें लंगड़ा आम जो मिल रहा है ये ज़रा पूछ लेते हैं, लंगड़ा आम भी ज़रा पूछ लेते हैं भाई से ये 11 रुपये की लंगड़ा। अच्छा तो ये व्यूअर दो चीज़ भाई ने ये शेयर करी, एक अच्छी क्वालिटी का लंगड़ा आपके साथ जो ये बता रहे हैं ये 750 रुपये का मिल रहा है, और जो हल्की क्वालिटी का लंगड़ा जो यहाँ पर मिल रहा है इसकी कोई गारंटी नहीं है, ये जो मिल रहा है ये 550 रुपये का ये पूरा क्रेट मिल रहा है। क्रेट में ज़रा ये भी बता दो करो मामा कितना वज़न होता है? 8 किलो 9 किलो? अच्छा 9 से 10 किलो के दरमियान, इससे कम नहीं होगा? 9 से 10 किलो के दरमियान यहाँ पर ये वज़न होता है, इससे कम नहीं होता है, इससे ज़्यादा ही भले हो लेकिन ये इससे कम वज़न नहीं होता है। तो ये सब डिटेल्स थी जो मैंने आपके साथ शेयर करी फ्रूट मंडी की। आज मैं फ्रूट मंडी आया हूँ आपके साथ डिफरेंट किस्म की फ्रूट्स की कीमत आपके साथ शेयर करी। इसी तरीके की मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाया करता हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।